कर्नाटक में कांग्रेस को मुसलमानों के सारे वोट क्या सिर्फ बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे पर मिले थे? क्या कांग्रेस बैन का ये वादा निभाएगी या फिर हिंदू वोटों को भी साधे रखने की फिक्र में चुनावी जुमले की तरह भूल जाएगी? बजरंग दल पर बैन की प्रेशर पॉलिटिक्स में अब जमीयत उलेमाए हिंद भी कूद पड़ी है। मौलाना अरशद मदनी ने मुंबई के आजाद मैदान में कांग्रेस पर एक तरह से जिसे कहा जाए कि तंज कसा है। मदनी ने कहा है कि वादा किया था तो अब निभाओ भी। मदनी ने कहा कि बजरंग दल जैसी फिरका परस्त जमातों पर कांग्रेस ने 70 साल पहले ही सख्ती की होती तो देश का माहौल नहीं बिगड़ता और कांग्रेस की दुर्गति भी नहीं होती। मदनी ने कहा कि कर्नाटक में 98% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है, इसलिए वादा नहीं निभाया तो फिर आगे से मुसलमानों के वोट भूल जाओ। तकरीर करने में मौलाना मदनी का कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने पीएफआई और बजरंग दल को एक तराजू में तौल दिया है। यहाँ तक बोल गए कि बजरंग दल नहीं होता तो पीएफआई भी नहीं बनता। एक तरह से ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी। क्या मदनी दबाव बना रहे हैं और कांग्रेस आने वाले 3 राज्यों के चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी ये वादा करे? क्या कांग्रेस ऐसा करेगी? कहते हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इन 3 राज्यों में मुस्लिम वोटों का पैटर्न वैसा नहीं है जैसा कर्नाटक में था। बीजेपी और बजरंग दल ने मदनी ने इस बयान पर तीखे रिएक्शंस दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस का मोहरा बताया है मदनी को, चैलेंज भी दिया है कि कांग्रेस में हिम्मत है तो बजरंग दल को बैन करके दिखाए। अगर बजरंग दल की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी न होती, पॉपुलर फ्रंट जन्म न लेता। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो कांग्रेस के ये हिस्ट्री शीटर लोग हैं, ये बहुत ट्रेडिशनल प्रोफेशनल साथी लोग हैं, ये तो उनके सुर और इनके सुर एक ही है। अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तदार उनके हाथ से न जाता। आने वाले वक्त में ऐसी अगर कोई भी घटना वहाँ पर होगी तो इमीडिएट कार्रवाई भी होगी और सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और जरूरत पड़ेगी तो बैन भी किया जाएगा। कहते हो कि बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगाओ, अपने मैनिफेस्टो को जिंदा करके दिखलाओ। देश का दुर्भाग्य है, हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल और वही भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भोग रही है। 98% मुसलमान ने कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को वोट दिया है। अब कांग्रेस की चाटुकारिता छोड़कर देश की तरक्की में पार्टिसिपेट करिए। आज जो लोग कुर्सी इख्तदार पर बैठे हैं वो ये समझते हैं कि हमारे इख्तदार की हिफाजत सिर्फ और सिर्फ फिरकापरस्ती की बुनियाद पर होगी, ताकि हम हिंदू और मुसलमान के वोट को तकसीम कर दें। क्या कांग्रेस पार्टी और मदनी जी ने साथ बैठ के ये एजेंडा बनाया था? जिंदा करोगे तो कल जो वादा करोगे कौम उस वादे को कबूल करेगी, नहीं करोगे कबूल नहीं करेगी। तो ये पूरे जो बयान वार पलटवार चल रहे हैं वो हमने आपको दिखाए, किस तरीके से मदनी साहब ने एक बयान दिया उसको लेकर किस तरह बीजेपी हमलावर हुई, मुस्लिम स्कॉलर्स का क्या कहना है, इसी पर अब इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो मेहमानों का पैनल है मैं फटाफट आपका तारुफ करा देती हूँ। मनीष शुक्ला जी प्रवक्ता है बीजेपी के, यास्मीन फारूकी राष्ट्रीय सचिव SGPI, प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, राजनीतिक विश्लेषक है अब्बास हैदर साहब प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, शिवानी दुर्गा हिंदू धर्म गुरु है, राशिद शरीफ अध्यक्ष है SIMPLB के, असगर खान साहब वकील हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में शरीक होने के लिए वक्त निकाला। तो मैं बीजेपी के गेस्ट के साथ इस चर्चा को शुरू करूंगी। मनीष शुक्ला जी आपका रुख, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मदनी साहब और कांग्रेस ने बैठकर ये एक पूरा एजेंडा तैयार किया है? मदनी साहब तो कांग्रेस के खिलाफत करते हुए मुझे सुनाई दे रहे हैं। देखिए जमायते उलेमा हिंद जिसके अध्यक्ष है मोदी जी, जिन्होंने ये बयान दिया है, अगर उनके पुराने जो
कृत्य है, उनके जो पुराने बयान है उनको उठाकर देखेंगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि दरअसल ये सांप्रदायिक सोच का संरक्षण है और लगातार ऐसे बयान देते हैं जिससे देश की सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और देश में जो बहुसंख्यक है उनको टारगेट हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो संगठन अभी 1984 में बना उसको 70 साल पहले कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता था, और आज जब देश के दो टुकड़े हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान बना उस समय तो बजरंग दल की स्थापना नहीं हुई थी, तब कैसे देश बट गया धर्म के आधार पर। तमाम विषय है जिस पर एक तरफा बात मदनी जी ने कहा है और स्पष्ट रूप से उनका निशाना बहुसंख्यक धर्म के क्षेत्र में काम करने वाला एक धार्मिक संगठन बजरंग दल, जिसका उद्देश्य सेवा सुरक्षा और संस्कृति जैसे पवित्र उद्देश्य को लेकर काम करने वाला संगठन है। आज तक बजरंग दल पर कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगा है जिससे कोई देश विरोधी बात सम्मिलित हो, तो निश्चित रूप से ये टारगेट किया जा रहा है। तमाम मुकदमे जो राज्यों में दर्ज हुए हैं वो झूठे हैं शुक्ला जी, बजरंग दल के खिलाफ? नहीं देखिए शुक्ला जी, कोई भी धार्मिक संगठन, कोई भी राजनैतिक और सामाजिक संगठन जो धरातल पर उतर कर काम करता है, कभी आंदोलनात्मक गतिविधियों पर, उन संगठनों पर, उन व्यक्तियों पर मुकदमे कायम होते हैं। हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तमाम जनहित के मुद्दों पर जब आंदोलन में हम लोग गए हैं। शहर में एक इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की हत्या आपको याद दिलाना चाहूंगी, लेकिन मैं और मेहमानों का भी अब रुख करूंगी, आऊंगी मनीष शुक्ला जी आपके पास। यास्मीन फारूखी, राष्ट्रीय सचिव एसडीपीआई की, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगी। यास्मीन जी, जो अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि आप सहमत हैं और ये फिरका परस्त ताकतें जो है वो कौन है, क्या वो बजरंग दल के लिए? बजरंग दल तो तब बना भी नहीं था 70 साल पहले। देखिए मदनी साहब क्या कह रहे हैं, हर आदमी को आज़ादी है बोलने की। अभी मनीष जी बोल रहे थे उनको आज़ादी है, मदनी साहब को भी आज़ादी है, वो जो चाहें बोलें। लेकिन हाँ, आपका एक सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी कि बजरंग दल वाकई 47 के टाइम पे 70 साल पहले नहीं बना था, लेकिन आरएसएस था, और बजरंग दल कहीं ना कहीं आरएसएस की शाखा है, कुछ अलग तो नहीं है। और बैन करने का मेरे समाज में ये बातें नहीं आती हैं कि इसको बैन कर दो, उसको बैन कर दो, इंसानों को ठीक कर दो। मेरा एक मानना है, कोई संस्था खराब नहीं होती है, इंसान खराब ही करते हैं उसके अंदर। जो गलत कर रहा है उनको बंद करो, उन पे मुकदमे चलाओ उनको, जो भी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि संस्था कोई भी अपने आप को गलत नहीं करती है, संस्था गलत तरीके के लिए नहीं बनाई जाती। ठीक है, अब राशि शरीफ साहब का भी रुख कर लेती हूँ। राशि शरीफ साहब, जो अरशद मदनी साहब ने कहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? और बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि ये तो कांग्रेस के माउथपीस है, कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बजरंग दल, आरएसएस या पीएफआई हो, जो जैसा करते है उसको उसकी सजा मिलना चाहिए। हमारे पास होता ये कि कुछ छूट दिए जाती है। आप आरएसएस को देख लीजिए, आप जब से बीजेपी आई भी है कितना एक्टिव है। बजरंग दल को देख लीजिए आप, कितने कांड हो रहे हैं, कितने मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, कैसा जला दिया गया यूपी में, दो बच्चों को गाड़ी के साथ जला दिया गया, कोई एक्शन होता नहीं। कई ऐसे इस तरीके के खतर गारतगिरी मची हुई है, कोई एक्शन होता नहीं। इस वजह से बोलते कि भाई पीएफआई हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, सब पे अगर सख्ती से कार्रवाई हुई तो ये सब कंट्रोल में आ सकते। अगर ये बात जो होती है बैन करने की, जो कानून हमारा कमजोर है, पुलिस है तो छूट नहीं भी रहती, इस वजह से बैन की बात होती। अगर ये तय कर लिए कि भाई कोई भी मुजरिम चाहे किधर का भी हो, अगर उसको सजा मिल रही है, अगर वो गलत काम किया, तो ये बैन की बात नहीं होती। आज है सो मैडम, बिल्कुल अरशद मदनी साहब जो बोल रहे हैं, मैं बड़े करीब से जानता हूं उनको। आज सियासत पे बोल रहे हैं, जबकि उनका वक्फ हमेशा यही रहता कि बस दीनी माहौल, दीनी बात करना है, दीनी माहौल में बात करना है, सियासत पे हमको हमारा ताल्लुक नहीं है। आज सियासत से आज सब का ताल्लुक सियासत से होना चाहिए, जितने भी उलमा है। मैं खुला बोलूंगा कि, और मैडम ये बात मैं आपको बताऊंगा कि अब तेलंगाना में हमारे इलेक्शन है, अब तेलंगाना में यहाँ पे जैसे जिस तरीके से कर्नाटक में मुसलमान पूरे एक होके 88% तक माशाल्लाह वोट डाले हैं, कांग्रेस पार्टी आई है। मेरा थोड़ा मौकफ जरा अलग है,
आज अगर हम 20% है यहाँ पे, आज अगर दलित है जो 40% है या जो भी है ओबीसी है 40%, अगर दलित को लेके अगर माइनॉरिटी मुस्लिम अगर कोशिश करे तो यहाँ पे निजाम स्टेट में, खासकर तेलंगाना में बता रहा हूं मैं आपको, पूरे प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टियों पे जब से कांग्रेस आई, जब से टीडीपी कांग्रेस और टीआरएस के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपको, पूरे कब्जे हो गए ना, मुसलमानों को ना नौकरियों में कोई चांस है, ना वक्फ प्रॉपर्टी कुछ हमको मिलने वाले, तो क्यों ना हम अपना हक लेने के लिए। मैंने आपको सुन लिया और मैं हैरान हूँ कि आप पीएफआई और आरएसएस और बजरंग दल को एक तरीके से एक ही तराजू में तौल रहे हैं, क्योंकि ना तो आरएसएस के खिलाफ कोई आज तक आतंकी मामला दर्ज हुआ है इस देश में, ना बजरंग दल के मुकदमे हैं उनके ऊपर, मैं ये नहीं कहती हूं, लेकिन आतंकी घटनाओं में कोई उनको शामिल नहीं पाया गया है, और आप पीएफआई जो है वो तमाम में आपको मुकदमे गिना सकती हूं। लेकिन चलिए, आपने अपनी बात रखी है, शिवानी दुर्गा का मैं रुख करना चाहूंगी, मेरे साथ उससे पहले मैं प्रोफेसर संगीत रागी का रुख कर लेती हूं। संगीत रागी ये कह रहे हैं कि साहब अगर बजरंग दल ना होता तो पीएफआई ना बनता, ये जो तुलना हो रही है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को, क्योंकि मुसलमानों ने बजरंग दल के मुद्दे पर ही कर्नाटक में जिताया है, तो अब कांग्रेस को वादा निभाना चाहिए और पूरे देश में इसी एजेंडे पे आगे चलना चाहिए। इन दो सवालों के जवाब आप मुझे शॉर्ट में दे दीजिए। मैं शॉर्ट में तो शोभना जी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कई सवाल हैं। ठीक है, एक सवाल तो ऐसा भी है जिसका उत्तर मैं इस रूप में देना चाहूंगा कि यदि 1947 के समय देश के मुसलमानों को पूरी तरीके से इस देश से खाली करके पाकिस्तान भेज दिया जाता तो आज जिस प्रकार से सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, जिस प्रकार से देश के कई मुस्लिम बहुल इलाके जो है वो संवेदनशील हो चुके हैं, देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर उनको शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है, जहां वो निजामे मुस्तफा के नारा लगाते हैं, वो सारे पीड़ा इस देश के हिंदुओं को नहीं झेलना पड़ता। एक विभाजन के पश्चात भी हिंदू समाज राजनैतिक इस्लाम के खतरे को नहीं समझ पाया और 1947 के बाद स्थिति ये आ गई है कि जो जिन्ना परस्त मानसिकता वाले मुसलमान आज फिर से कहते हैं कि बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन को बैन किया जाए। इस देश में जो भी संवेदनशील इलाके हैं वो मुस्लिम इलाके हैं। दूसरी बात, पीएफआई टेररिज्म और इस प्रकार की एक्टिविटीज में है, बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है, हो सकता है कि उसके राष्ट्रवाद की परिभाषा से आप असहमत हो जाएं, लेकिन वह विदेशियों के लिए काम नहीं करता है, वो आईएसआईएस के लिए काम नहीं करता है, वो उन 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 तत्वों के लिए काम नहीं करता है जो भारत को तोड़ने के लिए काम करते हैं, वो पाकिस्तानी झंडा नहीं लहराता इस देश की धरती पर। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही मेरे से पहले वाले पैनल ने, कहा कि 16% मुसलमानों ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। ये बात तो सही है, इस देश का हिंदू यदि अपने 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 ही बाजू में चाकू नहीं मारा होता तो 1947 में भी देश का विभाजन नहीं होता। यही तो सावरकर जी चाहते थे कि यदि हिंदू समाज संगठित हो जाता तो भारत विभाजन की हालत वो नहीं होती जो आज हमारी हालत है। संगीत रागी साहब, 23% मुसलमानों के लिए करके इतिहास में क्या हुआ, क्या उससे आज का अपना भविष्य बिगाड़ लिया जाए, क्या अपने प्रेजेंट को बिगाड़ लिया जाए दूसरों को ब्लेम कर उस समय जिन मुसलमानों को आप कह रहे हैं या जिन हिंदुओं के लिए आप कह रहे हैं कि संगठित नहीं थे, आपको नहीं लगता कि ये नाइंसाफी है, क्योंकि उस समय जो सबसे अच्छा हल था देश के सामने, जो भी उस समय तमाम नेता थे, उस हल को चुना गया और उन मुसलमानों ने पाकिस्तान ना जाकर हिंदुस्तान को चुना था, तो क्या आज इस तरीके के आरोप उनके ऊपर लगाकर आपको लगता है कि आप इंसाफ कर रहे हैं? शोभना जी, डॉक्टर अंबेडकर तो यही चाहते थे जैसे आबादी का बंटवारा हो जाए। आप 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दे दी और वही मुसलमान इस धरती पर रह गए, उत्तर प्रदेश के मुसलमान जिन्होंने विभाजन की नींव डाली थी।
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, यही के मुसलमान थे जो उस समय जिन्ना के साथ खड़े थे। ठीक है संगीत रागी साहब, मेरे साथ और भी मेहमान हैं, आज उनके एकाएक वो राष्ट्र भक्त भक्त कैसे हो गए? ठीक है चलिए, एकाएक उनकी भक्ति कैसे बदल गई? ये तो सरदार पटेल ने भी उनकी उनकी मानसिकता पर क्वेश्चन किया था, प्रश्न दिया। अब्बास हैदर साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। पहले मैं चाहती हूँ कि सारे मेहमानों के पास एक बार चली जाऊं, ये मदनी साहब को कैसे पता चल गया कि कांग्रेस ने बजरंग दल का जो फॉर्मूला निकाला या उस पर बैन की बात करी उसी से सारा मुसलमान वोट जो है वो मिल गया है कांग्रेस को, या आपको कैसे लग रहा है, या आप भी से सहमत है जो मदनी साहब कह रहे हैं उससे? देखिए शोभना जी, मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं बजरंग बली की कृपा रही है। लोग बजरंग दल को अगर ये ऐसा समझे कि बजरंग बली का संगठन है तो मुझे लगता है इससे बड़ी गलतफहमी कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जिसने हमेशा सिर्फ अनैतिक और कानून को तोड़ने वाले काम किए हैं। चाहे ग्रहम स्टैनली का मामला हो जिसके मासूम दो बच्चों को जिंदा जलाया गया, चाहे वो नंदेड़ में जो बजरंग दल के दो कार्यकर्ताओं की मौत हुई बम बनाते हुए, चाहे वो आप देखें ऊना की घटना हो जहां पे चार दलितों को पीटा गया बहुत बुरी तरीके से, चाहे आप देख लीजिए मध्य प्रदेश की घटना हो जहां पे दो क्रिश्चियन जो जिनके साथ बलात्कार हुआ था उनके खिलाफ इन्होंने किया, या आप देख लीजिए हाथरस में ये रेप के जो अक्यूज थे उनके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट निकाला। देखिए ये है बजरंग दल का असली चाल चरित्र चेहरा, और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो बजरंग दल के किए हुए काम है इस देश में। हमारा ये मानना है चाहे वो PFI हो या बजरंग दल हो, ये सब एक सिक्के के दो पहलू हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूरक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं संगठन, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। और आप कह रहे हैं सिक्के के पूरक है, PFI कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है? देखिए बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल बताऊंगा। देखिए मैं संगीत रागी जी अभी बात कर रहे थे कि जिन्ना की और मुस्लिम लीग की, तो ये वही हिंदू महासभा है जो मुस्लिम लीग के साथ दो राज्यों में सरकार बनाए हुए था, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में। ये इनकी सत्यता है, ये लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, ये लोग देश की आज़ादी के खिलाफ रहे हैं और ये जिन्ना के साथ ही रहे हैं। ये लोग जिन्ना के साथ ही है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन उन पर सवाल नहीं होगा। आज गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि देश मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, ऐसी बात। और आपने जो सवाल पूछा, आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा पहुंचाता है PFI, ये 2018 के चुनाव में देखिए, और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के वक्त तक क्यों इंतजार करना पड़ा PFI को बैन करने के लिए। 9 साल से इनकी सरकार थी केंद्र में, 8.5 साल क्यों लगे बैन करने के लिए PFI? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो राजनीति शिवानी दुर्गा है, मैंने देखा आप हाथ उठा रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन शिवानी दुर्गा एक भी बार प्रतिक्रिया नहीं दे पाए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। शिवानी दुर्गा, PFI और बजरंग दल के को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, क्या कहेंगी आप? हर हर महादेव आप सभी को। ये तो स्वाभाविक है कि जब मैं हमेशा से कहती आई हूं, हमेशा अपने डिबेट्स में कहती हूं कि जब भी धर्म बढ़ेगा असुर भी उसमें अड़चने डालने के लिए खड़ा हो जाएगा। PFI को मैं सभी को देख रही हूँ, जितने भी मुस्लिम यहाँ पर स्कॉलर्स बैठे हैं, जिस भी पार्टी से वो हों, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि PFI, RSS, बजरंग दल एक है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी बात को सिद्ध करना है और ये साबित करना है कि PFI रॉन्ग नहीं है। वो ये साबित करना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, वो ये कहना चाहते हैं कि PFI गलत करती है, तो वो सेम चीजें जिसका PFI का मेरा सवाल इससे इतर है, क्या कांग्रेस को फायदा मिल रहा है? और क्या आपको नहीं लग रहा है कि मदनी साहब जो है वो एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स पर काम कर रहे हैं कि मुसलमान वोट एकजुट हो गया है क्योंकि कर्नाटक में, तो अब हम और जगह भी ब्लैकमेल कर सके, फायदा ले सके? इस बयान का क्या ऐसे मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उनको इस टाइम पर ये बयान देना 70 साल पहले जबकि बजरंग दल बना भी नहीं था, तब उसको PFI से जोड़ना, ये बातें अब क्यों वो कर रहे हैं? अभी वो बोल रहे थे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे थे कि जो बजरंग दल है वो बीच में आता है हर चीज में, वो जो है टेररिज्म को फैलाता है। मुझे ये बताएं कि इतनी सारी घटनाएं हुई जिसमें PFI का हाथ था, तब आपके रिएक्शंस क्यों नहीं आए? कांग्रेस आज नहीं बनी, कांग्रेस जब बनी थी उस टाइम पे कोई हिंदू नहीं था, अंग्रेज ने कांग्रेस को बनाया। तो हमारी जो भारत है, हमारे यहाँ पर अगर हम बजरंग दल के साथ जुड़ते हैं, कोई व्यक्ति बजरंग दल के साथ जुड़ता है, चाहे वो मुस्लिम कट्टरवाद हो चाहे वो हिंदू कट्टरवाद हो, दोनों ही देश के लिए घातक है। क्या इससे आप कैसे घात है? कैसी बात करती हैं शोभना जी, कट्टरवाद कहाँ, हम तो इतने सहिष्णु हैं, हिंदू इतना सहिष्णु है, तभी तो ये लोग यहाँ पर है ना। अगर कट्टर होते तो ये पाकिस्तान में होते, यहाँ थोड़ी होते। साहब
हिंदू कट्टर नहीं होते, सिर्फ मुसलमान कट्टर होते हैं, क्या जवाब है? ऐसा कह रही है शिवानी दुर्गा। कट्टरता आपके धर्म का हिस्सा है। बिल्कुल, अभी हमारे संगीत जी का भी सुन रहा था और हमारे असगर साहब जी का भी। मैं राशि शरीफ साहब क्षमा चाहती हूं। एक मिनट, असगर साहब आपके पास मेरे को बोलने दीजिए। आज है सो जितने भी ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, आज सावेकर के बारे में, आज है सो फलाना के बारे में, मैडम ये बिल्कुल, ये मैं खुला बोलूंगा, आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि इनकी सोच बहुत गलत है। इन्हों महात्मा गांधी के खिलाफ, इन्हों कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, इन्हों मुसलमानों के खिलाफ, इन्हों हिंदुओं के भी खिलाफ है। इन्हों खाली इनकी सोच बस, मुसलमान क्यों है इंडिया में, क्यों नहीं चले गए, कौन तुम बोलने वाले, क्यों मुसलमान रहे, बजरंग दल और भी अकाल लेके है, आप जैसे लोग कौन है, आतंकवादी जैसे लोग हैं आप लोग, जिनको बात करने की भी नहीं है, ये आपका देश है, ये आपका देश है, आपके पूर्वज कौन थे, बताइए आपके पूर्वज कौन थे, आपके परदादाओं का नाम बताइए, आप क्या बात करते हैं, आपका देश ही नहीं है ये, जाइए यहाँ से, आतंक फैला रखा आप लोगों ने, आप जैसे लोगों ने आतंक फैला रखा है यहाँ पर, चिल्ला कर बात कर रहे हैं, दोनों को बताना चाहती हूँ कि ये देश जितना मुसलमानों से बोला जा रहा है, तो इस तरीके की बातें ना करें, इसके ऊपर बैठ सको, मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दूंगी। असगर खान साहब, अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, आप पूरी बहस सुनी रहे हैं जी। ये आरएसएस वर्सेस पीएफआई वर्सेस, क्या आपको लग रहा है कि ये जो तुलना की जा रही है ये सही है? पीएफआई के खिलाफ इतने आतंकी मामले दर्ज हैं, आप उसको बजरंग दल और आरएसएस से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मदनी साहब ये किस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए बात आपकी सही है, कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कारनामे तीनों में से एक के भी अच्छे नहीं है। हमारी नजर में सबसे पहले हमारा मुल्क होना चाहिए, मुल्क में रहने वाले लोगों में शांति का एक संदेश होना चाहिए, और मुल्क की तरक्की कैसे हो ये चीज़ हमारी नज़र में सबसे पहले होना चाहिए। जब हम फिरका परस्ती की बात करेंगे, जब हम आपस में बांटने की बात करेंगे, जब हम नफरत की बात करेंगे, तो कोई भी मुल्क हो, मैं इस मुल्क की बात, दुनिया का कोई मुल्क हो, वो तरक्की नहीं कर सकता। उसमें रहने वाले लोगों में खुशहाली होती है तो मुल्क में खुशहाली होती है, ये सबसे बड़ी बात है, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, और पीएफआई के लिए भी यही बात कही गई कि साहब इन लोगों ने फिरका परस्ती की बात करी जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब आप लोगों ने 56 देश बना लिए, लोगों को काट के आप लोगों ने 56 देश बना लिए। उसको देखिए एक चीज मैं ये बताऊं कि जो जहां बात हो रही है कि साहब उस वक्त पे, जैसे अभी अभी रागी साहब ने भी कहा कि सब मुसलमान उधर चले जाते, अरे भाई इसकी मिट्टी में हमारा खून है, आपको हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को शाबाशी देनी चाहिए और ज्यादा प्यार करनी चाहिए। हम लोग इस मुल्क से, इसका अर्थ ये हुआ कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, सच्ची बात ये कि आप मुसलमान हैं, बस आपने कलमा नहीं पढ़ा, आप मुसलमान हैं, हमारे पूर्वज मुसलमान हैं, जिस वक्त ये दुनिया शुरू हुई उस वक्त मुसलमान थे, बाबा आदम और बाबा हव्वा मुसलमान थे, आदम और हव्वा मुसलमान थे, दुनिया हमसे शुरू हुई, आपसे नहीं हुई है, आपसे नहीं हुई है, आपसे नहीं हुई, दुनिया। अच्छा चलिए, आप दोनों अभी डिबेट से निकल कर एक दूसरे को फोन लगा लीजिएगा और तय कर लीजिएगा कि कौन के साथ पूर्वज है। आप दोनों यहाँ से निकल कर, और मेहमान भी है ना, उनकी भी बताइए। यास्मीन जी आइए, आप यास्मीन जी, अरे आप इनको बताइए, आप इनको बताइए। यास्मीन जी क्या कहेंगी? मैं सुन रही हूँ, कुछ आप कहना चाह रही थी। मैं तो सीधी सी एक बात देखिए कहूंगी, एक तो रागी जी को मैं एक जवाब जरूर दूंगी, मैं बहुत बार रागी जी के साथ डिबेट में बैठती हूँ, पता नहीं इनको पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है, बात कहीं की होती है, बात मदनी साहब की हो रही है, रागी साहब पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, मुसलमानों पे तानेकशी करने लगते हैं। देखिए, हम एक साथ रहना चाहते हैं और सुकून से रहना चाहते हैं, हमारा एक ही मकसद है,
कोई भी राज करो, कोई भी गवर्नमेंट आओ, सद्भावना की बात करो, एके की बात करो, प्यार मोहब्बत से रहने की बात करो, तरक्की की बात करो। आप क्या हिंदू मुस्लिम करते रहोगे? इंसानियत भूल गए क्या? हम ये चिल्ला रहे हैं हिंदू ये कर रहे हैं, वो ये चिल्ला रहे हैं मुसलमान ये कर रहे हैं, इंसानियत की बात तो करना ही भूल गए। देखिए हमारे यहाँ आप कौन सी इंसानियत जो लोगों को काट देती है, टुकड़े टुकड़े गैंग बनाती है, सर कलम कर दो के नारे लगाती है, इस इंसानियत की बात करती हैं आप? मुझे क्षमा करें यास्मीन जी, मैं सभी के रिस्पेक्ट करती हूँ, आप बहुत सीनियर होंगी, पर जो आप इंसानियत की बात करती हैं दोगली लगती है, दिखावा लगती है, बिल्कुल ना आपका जवाब देना पसंद करती ना मैं आपसे बात करना। फिर भी आप दे रही हैं, फिर भी दे रही हैं उसके बावजूद आप मेरे से ही बात कर रही हैं। अभी आप जवाब देंगी क्योंकि आप नेशनल चैनल पे बैठी हैं, मेरे से बात नहीं करनी, मेरे को आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपने जो बात बोली उसमें मैं बोलूंगी और आप जवाब ना दें क्योंकि आपके पास जवाब है ही नहीं, तो आप दे भी नहीं सकती हैं। चलिए अब आप, मैं संगीत रागी का रुख कर लेती हूँ क्योंकि यास्मीन जी ने एक बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा दिया है। संगीत रागी जी, पाकिस्तान से आपको क्यों इतना प्यार है? ऐसा यास्मीन जी कह रही है कि हर चर्चा में आप मुसलमान, हिंदू और पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। नहीं शोभना जी, मैं इसलिए नहीं जिक्र करता पाकिस्तान, भारत, मैं ही अकेले नहीं कह रहा हूँ, भारत के बहुत सारे मुस्लिम विद्वानों ने भी कहा है कि भारत के मुसलमानों की मानसिकता में जो आज़ादी से पहले थी एक हिस्सा है जिसमें आज भी परिवर्तन नहीं आया है। देखिए इस्लाम के अंदर ये माना जाता है, ये मान्यता है कि जिस जमीन, गलत बात है, आप इल्जाम लगाते हैं रागी जी, मेरी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब बात हमारे मदनी साहब की होती है आप पाकिस्तान के पास क्यों चले जाते हो? ओके सॉरी यास्मीन जी, मैं अपनी ये बात कह लेता हूँ। देखिए सर सैयद ने 1887, जिन सर सैयद बड़े माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि हम वो कौम है जिससे 600 साल तक इस देश पर राज किया है, हमारी तलवारों से इनके रूहें कांप जाती थी। उस मानसिकता में भारत के मुसलमानों का एक वर्ग, मैं फिर कह रहा हूं सारे मुसलमान ऐसे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इस्लाम की कट्टरता उसके अंदर ही है। यदि ऐसा नहीं होता तो दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता दुनिया के किसी भी मुस्लिम कंट्री में नहीं है। और यदि भारत के अंदर कल जाकर के मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक होती है तो वही चीज यहां भी देखने को मिलेगा। ये जो पैटर्न के आधार पर मैं एज ए विश्लेषक इसका विश्लेषण कर रहा हूं, मैं कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना कर रहा हूं कि दुनिया के जहां जहां मुस्लिम कंट्री है वहां वहां पर धार्मिक असहिष्णुता है, दूसरे धर्मों को बराबर का दर्जा नहीं है। भारत में इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों बराबर दर्जा है, लेकिन जिस दिन भारत में इस्लाम प्रिडोमिनेंट रिलीजन हो जाएगा वैसा नहीं होगा। आखिर अफगानिस्तान में तो हमारे मंदिर थे ना, हमारे गुरुद्वारे थे ना, कितने हिंदुओं के गुरुद्वारे बच गए, चलने लगे, कितने हमारे मंदिर बच गए। हम उस रास्ते पे क्यों चले? आप तालिबान को गलत कह रहे हैं ना संगीत रागी, तो हम उस रास्ते पे क्यों चले? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं चल रहे, हम तो बिल्कुल चलने के लिए नहीं बोलते हैं। सिर्फ रागी जी को इसके अलावा कुछ याद नहीं है। नहीं नहीं, क्यों सीरिया, सिर्फ इसी बात पे क्यों सीरिया, जॉर्डन, नहीं नहीं सीरिया, सिर्फ है ना, सीरिया में क्या है, जॉर्डन में क्या है, इजिप्ट में क्या है, आपने कितनी बुरी तरह बोला है। मैं तो सारे इस्लामिक कंट्री का डाटा के दे दूंगा आपके सामने। चले जाना चाहिए था, इस तरह की बातें, कौन से इस्लामिक कंट्री की? आप अभी हिंदुस्तान की बात करो ना, आपकी कट्टरपंथी की हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आप किस दर्जे की कट्टरपंथी की बात कर रहे हो? आपकी अभी धर्मगुरु बैठ के हिंदुस्तान की महिलाएं क्या बोल रहे हो? मैंने तो ये बात नहीं करी, आप लोगों ने कट्टरपंथी की बात की। चलिए अब मैं मनीष शुक्ला जी का रुख कर लेती हूँ, आऊंगी यास्मीन जी। मनीष शुक्ला जी काफी देर से मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं 10 सेकंड शोभना जी, दस सेकंड शोभना जी, 10 सेकंड ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ यास्मीन जी कि आप कहते हैं कि हम भारत के मुसलमान हैं, लेकिन भारत की संस्कृति में आप नहीं विश्वास करते, आप अरब की संस्कृति को भारत में लागू करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे मन में मुसलमानों के लिए नहीं है, बहुत सारी मेरे से आइए बात करिए।
ठीक है, आप दोनों ने मेरी बात कह दी है, मुझे लगता है मनीष शुक्ला का मुझे उत्तर लेना चाहिए। आज फिर आ जा रहा है, कभी ये चर्चा अभी जारी है, अभी चर्चा जारी है, यहाँ कभी थोड़ा शांत हो जाइए, आके देखिए। हाँ ठीक है, मैं मनीष शुक्ला जी आपका रुख करना चाहूंगी। बीजेपी को बहुत बुरा लग रहा है, जिस समय कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया उस समय भी बीजेपी ने जोर शोर से उठाया कि आप पीएफआई और बजरंग दल को एक साथ कैसे एक तुलना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आप बजरंग दल को राष्ट्रवादी बताते हैं, तमाम यहाँ पे जो गेस्ट बैठे वो भी राष्ट्रवादी कह रहे हैं, पर वैलेंटाइंस डे पर जिस तरीके की तोड़फोड़ होती है, लड़कियों के ड्रेस कोड तय किए जाते हैं, मारपीट की जाती है, क्या आप जस्टिफाई करते हैं, क्या ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है आपकी नजर में? अब देखिए, जिस विषय पे डिबेट हो रही है, तो अभी इतिहास को याद रखा जाए या ना रखा जाए, ऐसा आपने भी कहा कि उन घटनाओं को याद करके क्यों भविष्य खराब करें। लेकिन एक बात और भी सत्य है, अगर इतिहास से आप सबक नहीं लेंगी, या कोई भी देश जब इतिहास से सबक नहीं लेता है तो उसका भविष्य भी सुनहरा नहीं रह सकता। 43 में जो बंटवारा हुआ, किन कारणों से हुआ, अगर भारत नहीं उसको याद रखेगा तो आगे भी इस तरह के खतरे आ सकते हैं। 62 की लड़ाई में हम हार गए और चीन से इतना बड़ा भूभाग हम हार गए, अगर उस सबक को हम याद नहीं रखते तो गलवान में और डोकलाम में हम कैसे उनको पटकनी देते। तो इतिहास से सबक लेना ही चाहिए अगर हमको अपना भविष्य ठीक रखना है। दूसरी बात, आपने जो अभी कहा कि वैलेंटाइन डे पे, तो बजरंग दल ने कभी भी, या जो भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो विचारधारा है, उसने कभी भी किसी को न ड्रेस कोड के लिए या उनका खान पान क्या होना चाहिए इसके लिए कभी भी बाध्य करने की नीति पर अमल नहीं किया है। आप नवरात्रि होती है, आप तमाम मटन और चिकन की जो ठेला लगाने वाले हैं वो दुकानें बंद करा देते हैं, और आप कह रहे हैं कि खाने पीने पर रोक नहीं लगती है। नहीं, किस जगह पे शुभ्रा जी, कोई एग्जाम्पल हो कि जो धर्म क्षेत्र है जहां मटन चिकन या इस तरह की चीजें प्रतिबंधित है, उसके अतिरिक्त किस जगह पे बजरंग दल या हमारी विचारधारा के किसी संगठन ने जबरदस्ती इसको बैन करने की बात की है? किया था अहमदाबाद में किया था। मटन और जो चिकन की दुकान, नॉनवेज, अंडे की जो दुकान है उनको बंद करा दिया गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, यास्मीन जी को जवाब देना चाहिए। कहाँ पे शुभना जी? अरे मैंने बताया तो, अहमदाबाद में, गुजरात में नवरात्रि के समय इस पर मार तमाम विरोध उठा था। अब्बास हैदर साहब कुछ कहना चाहते हैं। अब्बास हैदर साहब, देखिए, अभी 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 मनीष जी चीन की बात कर रहे थे, 62 की बात कर रहे थे। मनीष जी, आपको शायद जानकारी नहीं है, पेंगोंग में चीन दूसरा, सारी जानकारी अखिलेश यादव जी के पास है। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे देश की भूमि, 38,000 सुन लीजिए, अरे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे देश की भूमि पे चाइना इलीगली कब्जा किए हुए, आपकी सरकार उसको छुड़ाने में अभी तक नाकाम रही है। अरे यहाँ बजरंग दल और पीएफआई में चर्चा चल रही है, आप लोग चीन और गलवान में चले गए। अब्बास यादव साहब, आप डिरेल कर दे रहे हैं पूरे डिबेट को। मुद्दा कुछ चल रहा है, मैं उस नहीं आम की बात हो रही है, आप संतरे बेचने लगे। इन्होंने बात करी तो मैं उसका जवाब दे रहा था। हाँ, इन्होंने ये बात शुरू करी तो मैंने उसका जवाब दिया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इतिहास की बात करेंगे, देखिए, एक देश अमेरिका भी है जो कहता है कि हमारा देश इमिग्रेंट से बना है। आप कहते हैं कि हमने इतिहास की बात कर दी है, भविष्य की बात नहीं कर दी। आप अगर आप क्या चाहते हैं कि हमारे देश के सभी समुदाय एक साथ मिलजुल के रहें, देश के नवनिर्माण में अपना सहयोग करें? आप ये चाहते हैं कि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पे बटते रहें और देश में एक ऐसा माहौल बने जिसमें कोई सुरक्षित महसूस न करे? भारतीय जनता पार्टी असलियत यह है कि असल मुद्दों पे जनता का ध्यान भटकाने के लिए समय समय पे इस तरह की बातें करता है। आज आप नहीं बताएंगे कि 2,000 रुपए के नोट आपको क्यों बंद करने पड़े। आज आप नहीं बताना चाहेंगे कि आप जो बेरोजगारी है वो 8.2% अप्रैल माह में पहुंच गई है। इस पे बात नहीं करना चाहते, आप महंगाई पे बात नहीं करना चाहते। असगर खान साहब, उनको भी मैं चर्चा में लाना चाहती हूं, वो भी कुछ जवाब देना चाहते हैं। हमारा ये कहना है, आप सबके खिलाफ समानता से कार्य करिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए शोभना जी, सबसे पहली बात ये कि हम किसी की भी फिगर को ना बिगाड़े तो अच्छा है। अभी सर सैयद की बात करी रागी साहब ने, पहले तो मुझे ये अफसोस होता है कि नाराए मुस्तफा से हमें किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। अगर कोई श्री राम के नारे लगा रहा है तब भी दुख नहीं होना चाहिए, और नाराए मुस्तफा लगा रहा है तब भी दुख, जो रागी साहब ने कहा। और जहां तक सर सैयद की फिगर का बात है, सर सैयद अकेले वो शख्स थे जिसने कहा था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन के मानिंद है, और उस खूबसूरत दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है।
इसमें से एक भी जाती रही तो ये दुल्हन बदनुमा हो जाएगी, ये उनकी सोच थी और यही सोच हमारे पूर्वजों की थी। हम अगर उनकी उनके बताए हुए रास्तों पे चलें तो ये सारी चीजें सामने ही ना आए। जहां तक सवाल कर्नाटका का है कि मुसलमान एक जगह हो गए, उन्होंने 80% या 90% वोट देकर जिता दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों ने नहीं भाई, उससे मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं ने कांग्रेस लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि मुसलमान वोट बाकी स्टेट्स में बटता रहा है। AIMIM को मैं बिहार के सीमांचल का आपको उदाहरण दे देती हूँ, ये मुसलमान वोट बटा है और इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश चुनाव में भी तमाम दलों को हुआ है। इस बार ये कहा जा रहा है कि मुसलमान एकजुट हो गया है कर्नाटक में, तो क्या वो मुसलमान बजरंग दल के बैन के ऊपर लेकर एकजुट हो गया है? यही एक सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, बहुत सारे, वो सिर्फ एक बजरंग दल के बैन की बात नहीं है। हाँ। बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेके वो एकजुट हुआ, या तो उनके ऊपर जुल्म इतने हुए कि वो एकजुट हुआ। ठीक है, राजेश्वरी साहब, सीधा सा सवाल, राजेश्वरी साहब, क्या एक बजरंग दल मुसलमान एकजुट हो तो इनका वोट पोलराइज हो जाए? राशिद शरीफ साहब, क्या एक बजरंग दल ही ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश के मुसलमानों को एकजुट कर पा रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्या सहमत है आप आने वाले इस वक्त में, आने वाले चुनावों में एक बजरंग दल का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस और आप सब एकजुट हो जाएंगे? नहीं, मैं मैडम बिल्कुल मैं इसको ये चीज को मानता नहीं। डेवलपमेंट की बात अगर हो रही है तो कांग्रेस के साथ है या टीआरएस के साथ है। अगर डेवलपमेंट की बात अगर हो रही है, हर दो की डेवलपमेंट की बात, सिर्फ मुस्लिम डेवलपमेंट की बात नहीं, हर दो की डेवलपमेंट की बात हो रही तो हम वो पार्टी के साथ है। अब तेलंगाना में हमारे पास दिया सबका साथ सबका विकास, बीजेपी कह रही है आप साथ है बीजेपी के? अगर करते तो साथ में होते थे मैडम, क्यों किया नहीं? अगर करते बीजेपी अगर मुसलमानों के बारे में अगर सोच अच्छी रखती, अगर हमारे को है तो, अगर यूपी का मैं बताना चाहूंगा, मैं यूपी के इलेक्शन में भी था, आप 404 सीटों पे मुसलमान को एक सीटें देते, फिर आप सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, का विकास किसका विश्वास? ये जितने भी आपके पास बैठे हुए हैं जो बीजेपी की हिमायती बैठे हुए हैं, इन लोगों को पहले होमवर्क करके आना चाहिए। कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान, अरे छोड़ भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान, बात कर हिंदुस्तान की, बात कर अपने डेवलपमेंट की। नफरत हटा, नफरत बिल्कुल हटा, जब तक नफरत नहीं हटेंगी ये तमाशे चलते रहेंगे, बजरंग दल PFI सबके तमाशे चलते रहेंगे। जब नफरत खत्म तो ये दो खत्म हो जाएंगे, बजरंग दल शुक्ला जी। राशिद शरीफ साहब आरोप लगा रहे हैं कि आप नफरत बांटते हैं, जब तक आप हिंदू मुसलमान दोनों को एक करने की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, तब तक कोई आपके साथ एकजुट नहीं होगा। लेकिन जवाब दीजिए आप, चलिए कि कर्नाटक में घोषणा पत्र में कांग्रेस कहती है कि PFI को हम और बजरंग दल को बैन करेंगे। ये मुद्दा तो कांग्रेस लेकर आई है, जो सांप्रदायिक मुद्दा है। PFI तो ऑलरेडी बैंड संगठन था उस समय, आज भी बैंड है, तो उससे तुलना करना ये एक तरह से झूठ बोल रहे थे। बजरंग दल पर निशाना केवल इसलिए उन्होंने साधा कि एक तरफ ध्रुवीकरण किया जा सके, और ये जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि तेलंगाना में हम उनके साथ हैं, क्योंकि तेलंगाना में वो इसलिए उनके साथ हैं कि वहां उनके साथ उनको ध्रुवीकरण नजर आ रहा है। देखिए ये बात जो सत्य है कि कांग्रेस सपा बसपा इस तरह के जो दल है ये धर्म के आधार पर शुरू से तुष्टिकरण करते आए। समाजवादी पार्टी आप धर्म की राजनीति नहीं करते, इतना क्यों नाराज हो गए? प्रेशर बढ़ जाएगा, कम आराम से शांति से, अब चर्चा चल रही है, आराम से बात कीजिए ना। संगीत रागी जी देखिए मुस्कुराने भी लग गए हैं, आराम से बात कीजिए। राशि शरीफ साहब क्यों इतना चीख चिल्ला रहे हैं? इन लोगों को समझ में नहीं आती, राष्ट्र से बात करना है, इनके पल पड़ने वाले। शिवानी दुर्गा का मैं रुख कर लेती हूँ, शिवानी दुर्गा हाथ उठा रही, शिवानी दुर्गा हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बजरंग दल को आगे रख दे रहे हैं तो जो दूसरा समुदाय है वो कहीं ना कहीं जिसको कहा जाए कि असुरक्षित महसूस करने लगा है, तो क्या ऐसे बजरंग दल का साथ देने के लिए आप तैयार हैं? जी देखिए, असुरक्षित वो तो उसके अंदर ही असुरक्षित तभी होते हैं जब हमारी बुद्धि असुर की जैसी होती है, तभी हमें घबराहट होती है। देखिए मैं तो बजरंग दल के, अगर मेरा पर्सनल व्यू लेंगे तो मैं बजरंग दल के साथ रहूंगी डेफिनेटली। मुसलमानों का, अभी आप बोल रहे थे राशिद जी कि मुसलमानों का साथ नहीं है वहां पर, आपका अर्थ मुसलमानों का साथ है प्रेम का जो है उसका है, सर कटाओ कन्वर्जन करो, लड़कियों को बेच दो, हिंदुओं की जमीन हड़प लो, टुकड़े टुकड़े करो, सर कलम करो, हिंदुओं को धर्म से भी मुक्त करो। आप
बोलने बंद करो ये बात, बोलने दीजिए, बंद करो ये बात, बोलने दीजिए, बंद करो ये बात, बोलने दीजिए। अरे सत्य है वो बोलने से आपको कष्ट क्यों हो रहा है? सत्य बोलने से आपको कष्ट क्यों हो रहा है? आप पूरा बोलने दीजिए ना, आप पूरा बोलने दीजिए ना मुझे। सत्य बोलने से कष्ट क्यों हो रहा है आपको? राशि जी इतना कष्ट क्यों हो रहा है आपको? राशि जी बोलने दीजिए, मत करिए माता। हिंदुस्तान बहुत पीछे हो गया, हिंदुस्तान बहुत हिंदू मुस्लिम बन गया, हिंदुस्तान आज हिंदुस्तान का पूरे विश्व में नाम है। आज तो हिंदू इतना आगे है कि आप लोग इसीलिए इस तरह की बहस कर रहे हैं। अच्छा, आपने शोभना जी एक जगह पे बोला था कि वैलेंटाइन डे जो है, अभी तक कोई हिंदू के बारे में पूरा बोला, अभी तक कोई हिंदू के बारे में पूरा बोला, कोई मुसलमान हिंदू के बारे में पूरा बोलता नहीं, नहीं जब से आजादी, नहीं नहीं बोलते, मुसलमान मारते हैं, बोलते नहीं है, मार देते हैं सीधा। कहा बोलते कहा है राशिद जी, मार देते हैं लड़कियों को। मेरे पास धमकी भरे मेल झेले, मेरे पास मेल्स है, मेरे पास मेल्स, मेरे पास मेल्स है धमकी भरे, और सभी मुसलमानों के सभी, बिल्कुल नहीं, मेरे पास प्रूफ है। चलिए अच्छा राशिद साहब पहले बताइए कि ये जो बजरंग दल वर्सेस पीएफआई हो गया है, क्या लग रहा है कि 2024 का चुनाव इसी लाइन से लड़ा जाएगा? बोलने नहीं दे रहे राशिद साहब, शोभना जी को बोलने, शोभना जी संगीत रागी, चलिए मैं संगीत रागी का रुख करूंगी। अरे आऊंगी राशिद साहब, बहुत चिल्लाते हैं आप भाई, ये तो बड़ा, आप तो मतलब अपने ब्लड प्रेशर के साथ सारे जितने मेहमान बैठे हुए सबको जाके दवा खानी पड़ेगी ब्लड प्रेशर की। थोड़ा शांति के साथ अपनी अपनी बात रखिए, आपको मौका मिल रहा है, आप चिल्ला रहे हैं। ये नफरत अच्छा किस किस बात से आपको ऐसा लग रहा है कि टीवी की डिबेट नफरत फैला रही है, या इस पिछले 40 मिनट में आपको किस बात से मेरी लग गया कि मैं नफरत फैला रही हूँ? इतना बड़ा आरोप आपने कैसे लगा दिया? किस बात से आपको लग गया? आपकी पूरी बात में सुन रही हूँ, उल जलूल बातें कर रहे हैं आप, उल जलूल आरोप लगा रहे हैं, उनको भी मैं शांति के साथ सुन रही हूँ। नफरत हम बांट रहे हैं कि नफरत आप फैला रहे हैं। संगीत रागी साहब, संगीत रागी साहब, चलिए ठीक है राशिद साहब शांत हो जाइए, संगीत रागी साहब से मुझे बात कर लीजिए। क्या लग रहा है संगीत रागी, बजरंग दल वर्सेस पीएफआई, यही 2024 का एक जिसे कहा जाए कि नैरेटिव और एक मंच तैयार हो चुका है? शोभना जी ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, भारत का जो मुस्लिम समाज है वह भारतीय जनता पार्टी के, उसको शाहीन बाग तुरंत खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यदि कोई कानून बनता है तो वो 3 मिनट में समझ जाता है और पूरे देश में शाहीन बाग खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि वो अपने राजनैतिक लक्ष्य के प्रति सचेत है, उसे क्या करना है उसे मालूम है। लेकिन आंदोलन यही कारण करना है तो कि बर्मा से आए हुए रोहिंग्या को भी यहाँ पैकेट खड़ा होना, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का हक हाँ तो संविधान देता है। मैं बिल्कुल देता है, लेकिन पाकिस्तान के आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए, रोहिंग्या आए हुए ऐसे लोगों के लिए जिसने इस मातृभूमि का को तोड़ा, बंटवारा किया, उन्हीं के वंशजों को अपने देश में बसाएं ताकि हमारे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ सके। इस कारण से भी भारत का मुसलमान जो कहता है कि संगीत रागी, मैं एक बात, मातृभूमि की भक्ति के कारण यहाँ रह गए, उनके लिए लड़ाई करें, बस मुसलमान हो, मुझे अपनी बात तो करने दे। मुसलमान लोगों के साथ हम भी काम करते हैं, इस दफ्तर में मेरे जो हेयर डू करता है या मेरा मेकअप करता है मुसलमान बच्चे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, जब वो सुबह घर से निकलता है ना तो रोजी रोटी ही एकमात्र समस्या है और एकमात्र वो चीज है जिसके लिए आदमी बाहर निकलता है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ये क्या डर है कि 80% हिंदू होते हुए आपको ये डर सता रहा है कि साहब मुसलमान जो है वो इस देश में बहुसंख्यक हो जाएंगे? इसकी क्या वजह है, क्या तर्क है आपके पास? देखिए देखिए शोभना जी, जो हिस्सा पाकिस्तान बन गया और जो हिस्सा बांग्लादेश बन गया वह भी एक समय हिंदू बहुल क्षेत्र था। जिस कश्मीर की आप बात करते हैं 10th century ऑनवर्ड, उसका हिस्ट्री पढ़िए किस प्रकार से वह आज कहां पर खड़ा है, कश्मीर वैली, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अफगानिस्तान एक समय हिंदू बहुल क्षेत्र था, वो कहां पर चला गया है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूं, आप कहते हैं सहिष्णुता सौहार्द,
जिस दिन आप इस्लाम को न मानने वालों को काफिर कहने की परिभाषा खत्म कर देंगे, सहिष्णुता उसी समय आ जाएगी। ठीक है, जिस समय आप धर्म परिवर्तन सारे धर्मों को बराबर समझने लगेंगे, हाँ। उसी समय आए, लेकिन जिस समय आप ये कहते हैं कि मेरे अल्लाह के अलावा पूजा के लायक कोई नहीं है, तो आप हमारे सारे तीर्थंकरों को आप बेइज्जत करते हैं, आप हमारे राम कृष्ण सबको आप खारिज कर देते हैं। संगीत रागी आरोप लगा रहे हैं ये जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो गलत है। अगर आप दूसरे के धर्म की भी ये मानसिकता जहाँ पर हो वो टॉलरेंट सोसाइटी कैसे हो सकता है। ठीक है यास्मीन जी, जवाब दे दीजिए। संगीत रागी को सुनी लिया है आपने, मैं क्या उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करूं? देखिए मेरी बात सुनिए, अपना टॉपिक है कर्नाटका। रागी जी का मैंने कहा ना शौक है, और मेरा मजहब पे बात करना ना तो शौक है ना पाकिस्तान पे शौक है। मैं आपको लॉजिकल एक बात कह देती हूँ, कर्नाटका का जो इलेक्शन है वो इससे पहले भी कांग्रेस ने जीता था, कांग्रेस ने आपको पता है कि उस पे सरकार भी बनाई थी, इसलिए वहां के लोग मेंटली हिंदू मुस्लिम को छोड़ दीजिए, वो क्या कह रहे हैं, जेडीएस ने साथ वो दिया, वो जाने मौलाना, बीजेपी की सीटें ज्यादा थी, साथ दिया था, नहीं नहीं आप पहले कांग्रेस ने बनाई थी गवर्नमेंट, आपको ध्यान हो तो बाद में जेडीएस बनाई थी मैम, कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर बनाई थी, कुमार स्वामी मुख्यमंत्री थे, मैं इसीलिए आपकी जानकारी दुरुस्त कर रही हूँ, मिलके बनाई थी, मैं वही बात कह रही हूँ। फिर हाँ मतलब पहले कांग्रेस ने जेडीएस से मिलके बनाई, फिर उन्होंने हाथ खींच लिया, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, तो कहीं ना कहीं मेंटली वहां लोग कांग्रेसी हैं, और हो सकता है कि जेडीएस ने क्योंकि एक धोखा किया, पहले कांग्रेस के साथ बनाई फिर बीजेपी के साथ बनाई, तो वहां एक कितने परसेंट है, 13% मुसलमान, तो आप यहाँ गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव जो है वो बजरंग दल वर्सेस पीएफआई होने जा रहा है, आप ये कह रहे हैं आसान शब्दों में? नो नो नो, मैंने आपको आसान मुद्दों में ये कहा है कि वो मैटर नहीं है, हाँ। ना बजरंग दल है ना पीएफआई है, वहां मेंटलिटी है, हमारे यहाँ राजस्थान के हैं हम लोग, ये मेंटलिटी है, 5 साल बीजेपी बनती है 5 साल कांग्रेस बनती है, तो ये थोड़ी है कि मुसलमान, पर ये मेंटालिटी उत्तराखंड में तो टूट गई ना, उत्तराखंड में टूट गई ये मेंटालिटी, ऐसी मुसलमान है, उत्तराखंड में भी ऐसे ही होता था और ऐसे कई राज्य, एक लंबी फेयर है, तो मैं यही मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ, क्या इस देश का मुसलमान अब बजरंग दल के मुद्दे पर एकजुट होने जा रहा है? मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ आपसे, नो नहीं होने जा रहा है, ठीक है, कुछ मैं नहीं मानती इस बात को, बिल्कुल नहीं मानती, ठीक है। अब्बास हैदर साहब समाजवादी पार्टी से आते हैं, अब्बास हैदर साहब अगर राजनीतिक जमीन की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं या पूरे मुल्क की मैं बात करूं, तो क्या लग रहा है कि बजरंग दल और पीएफआई इस बार 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं? क्या कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएगी और बीजेपी जवाब देगी? शोभना जी मुझे लगता है इस देश का हिंदू, इस देश का मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी जो इस देश के नागरिक हैं, वो इस भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में महंगाई जो चरम पर है, बेरोजगारी, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं जिन्होंने इस देश को पीछे की ओर ढकेला है, उसके खिलाफ वोट करेगा और उसके निश्चित रूप से खिलाफ में है। आज हमारा विदेशी कर $62,000 करोड़ पहुंच चुका है, ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुआ, लेकिन इसके ऊपर एक शब्द ये नहीं बोलना चाहेंगे, ये नहीं बताना चाहेंगे इस प्रकार से इनके राज्य में लगातार आप देखिए कि देश में जो आतंकवादी हैं उनके ऊपर उनकी फंडिंग बढ़ रही है, किस प्रकार से हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको सुरक्षित महसूस कराने में नाकाम हुए, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये देश के मुद्दे हैं, देश के आम जनमानस से जुड़े मुद्दे, और मुझे लगता है इन मुद्दों पर देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी। ये हिंदू मुसलमान देश को बांटने वाली राजनीति बहुत हो गई, मुझे लगता है कर्नाटक ने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि यह देश अब बंटने वाला नहीं है, यह देश देश है, क्या कर्नाटक ने ये संदेश दे दिया है? क्या बीजेपी अपनी राजनीति बदलेगी ऐसा आप कह रहे हैं, या इसको अति उत्साह माना जाएगा? बिल्कुल मैडम, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी थी कर्नाटक में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव में। मैं चाहूंगा मैडम कि पूरे मुसलमान एकजुट हो, अब जरूरी है, आप कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, चाहे हमारे पास टीआरएस है, सब मिलकर बात करके डेवलपमेंट में बात करें। मैं क्या हूँ, आज कर्नाटक में हम गए थे, हम साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को लेके, पूरी टीम को लेके वहां पे, जिस जिससे ही बात करें, सिर्फ डेवलपमेंट चाहे, कोई नहीं चाहे कि मुसलमान चाहिए या हिंदू चाहिए, कोई बिल्कुल नहीं चाहे। डेवलपमेंट चाहिए तो बजरंग दल पे बैन की बात से क्यों आप लोग इतना बल्ले बल्ले करने लगे और इतना खुश हो गए कि एकजुट होकर कर्नाटक में कांग्रेस को वोट दे डाला, जो आरोप मदनी जी आप पर लगा रहे हैं? तेलंगाना में भी डिमांड करेंगे बजरंग, ना अभी नहीं, तेलंगाना में भी डिमांड करेंगे बजरंग दल को, ऐसा बैन करना है, कौन से दूध के धुले हुए हो? ठीक है, मनीष शुक्ला साहब जवाब देना चाहते हैं, आइए मनीष शुक्ला जी।
देखिए मैं एक पॉलिटिकल जवाब देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि वोट किस मुद्दों पर पड़ेगा। जिस दिन कर्नाटक का रिजल्ट आ रहा था उस दिन उत्तर प्रदेश का भी रिजल्ट आ रहा था। मैं नगर निगमों की बात नहीं करता हूँ। दो विधानसभाओं में चुनाव हो रहा था, एक स्वार सीट वहां की जो डेमोग्राफी है और एक सोनभद्र की सीट थी जो सुरक्षित सीट थी। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं जीती है। 56% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां के लोगों ने वोट दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका प्रयास, उस पर उत्तर प्रदेश और देश की जनता चलेगी। हाँ, लेकिन किसी का तुष्टिकरण नहीं, सबका संतुष्टिकरण। तुष्टिकरण मतलब अखिलेश यादव की तरह। ठीक है, समय की कमी है तो आप क्या शाहबानों के बजरंग दल पर बैन के नाम पर क्या इस देश का मुसलमान अब शाहबानों केस भूलने के लिए तैयार हो गया है? असगर खान साहब, देखिए साहब, यहाँ मुद्दा जिसको हम खवाखा में हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, बजरंग दल PFI, ऐसा नहीं है। ये बात आपकी सही है कि ये बीजेपी जरूर चाहती है, क्योंकि बीजेपी की शुरू से ये पॉलिसी रही है। पर बैन तो कांग्रेस ने लगाया, पर बैन तो कांग्रेस ने लगाया, तो फिर बीजेपी कैसे चाह लेगी बैन? ये भाई नहीं नहीं, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। पूरे मुल्क की तस्वीर उठा के देखिए, मैं एक कर्नाटक की बात नहीं कर रहा हूँ। हर जगह जब कोई इलेक्शन आता है एक मुद्दा दिया जाता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे नकाब का ले आए कि 370 ले आए कुछ ना कुछ, या कहीं ना कहीं फसाद करा दे। जिन जगहों की बात मनीष भाई भी कर रहे हैं, वहां किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हुआ है वो आप जाके देखिए। हम खुद वहीं के हैं, हमने देखा है। ठीक है, कैसे कैसे चलिए, तो ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और रोज ऐसे ये डिबेट चलती रहेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे ताल ठोक के, फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी न्यूज़।